बलिया जनपद में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, तो वहीं पीड़ित गांव वालों का पलायन जारी है। गंगा नदी के रौद्र रूप की यहाँ तस्वीरें हैं, जहाँ बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने अपने घर छोड़ किसी सुरक्षित स्थान की तरफ पलायन को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री महेंद्र नाथ सिंह ने आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण कर जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्री ने कहा, बाढ़ पीड़ित 200 लोगों को नेशनल हाईवे पर स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। जिले के बाढ़ आपदा से निपटने के लिए NDRF की 25 सदस्य टीम और SDRF की 25 टीम, PSC के 15 टीम को बलिया बुला लिया गया है। वहीं गांव वालों में जरूरत का सामान बांटने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मैं बलिया में उपस्थित हूँ, और जिस तरीके से बलिया के बाढ़ बचाव कार्यों को विभाग के द्वारा किया गया है, उसके कारण से हमारा बलिया पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहुत भारी मात्रा में जल छोड़ने के कारण से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर गंगा इस समय प्रवाहित हो रही है, चल रही है। और उसी के कारण से आज हमारे बैरिया जो तहसील है, ब्लॉक है, उसके अंतर्गत 10 ग्राम पंचायतें और हमारा जो सदर है जिसमें 5 ग्राम पंचायतें इससे प्रभावित हुई हैं। मजरे टोले मिला करके लगभग 50 ऐसे छोटे बड़े गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। कुछ में गांव के चारों तरफ पानी आ गया है, कुछ में गांव में पानी घुस गया है और कुछ गांव में 3 तरफ से पानी आया है, एक तरफ जो सुरक्षित है। हमने अभी जो सर्वेक्षण करके ऊपर से देखा है उससे हमारे सभी बंधे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन फ्लड ट्रेन में जो लोगों ने घर अपने बना लिए थे उन घरों में कुछ पानी चले गए हैं। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, उसका परिणाम ये हुआ है कि जो लोग जिनके घरों में पानी चला गया था ऐसे 200 परिवारों को एनएचआर शिफ्ट किया गया है और उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमारे जनप्रतिनिधि भी एक क्षेत्र में जा रहे हैं, आदरणीय विधायक गणों ने यहाँ पर विस्तार से उस बात को रखी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। निश्चित रूप से जलस्तर बढ़ने के कारण से गाँव में पानी गया है। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके बृहद स्तर की योजना रचना बनाई है, सभी अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए हर गांव में राशन की किट पहुंचाना, भोजन का पैकेट पहुंचाना, प्रकाश की व्यवस्था करना, जिसके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े देना, मेडिकल किट देना, मेडिकल टीम को गांव-गांव में पहुंचाना, पुलिस के द्वारा वहां पर हेड सेट के साथ पुलिस तैनात करना, PRD के जवान, होमगार्ड के जवान, इन सब को लेकर के और हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, स्वच्छता समिति और हमारे जो यहाँ के पंचायत राज विभाग है उसके द्वारा छिड़काव करना, ब्लीचिंग करना, फॉगिंग करना, जिससे किसी रोग कहीं पर ना फैले, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक एक बिंदु पर बातचीत किया है। अच्छी बात यह है कि NDRF के 25 लोग, SDRF के 25 लोग, PSC के 15 लोग और इनके साथ स्टीमर, 5 NDRF के साथ, 2 PSC के साथ, 2 SDRF के साथ, ऐसे 8 स्टीमर यहाँ पर आ चुके हैं। 190 बोट हैं, 34 हमारे गोताखोर हैं और कुल 36 स्थानों पर हमारे बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। हर तरीके से जिला प्रशासन, सरकार तैयार है, किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। और जनता जनार्दन को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देशित करके हमको यहाँ पर भेजा है उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हर प्रकार की समस्या का हम समाधान करेंगे और सरकार उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। इसलिए वो घबराएं ना, चिंता ना करें, जैसे जैसे धीरे धीरे पानी घटेगा सब लोग अपने अपने घरों में फिर से सुरक्षित हो।